नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा पांचवी के परिसर अध्ययन भाग दो में पाठ चार विकासवादी पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसका प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ चार विकासवाद, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, कोष्ठक में से उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, विकासवाद की अवधारणा सबसे पहले खाली जगह नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। ऑप्शन में दिया गया है चार्ल्स डार्विन, बिलाल डीबी, लुई लिकी। इसके उत्तर में आएगा चार्ल्स डार्विन। विकासवाद की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। दूसरे में क्या दिया गया है, पृष्ठवंशी सजीवों के समूह में विकास का सबसे अंतिम चरण खाली जगह प्राणी है। ऑप्शन में दिया गया जलचर, उभयचर, सस्तन। इसके उत्तर में आएगा सस्तन। पृष्ठवंशी सजीवों के समूह में विकास का सबसे अंतिम चरण सस्तन प्राणी है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, जल में और भूमि पर विचरण करने वाले सजीवों को क्या कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, जल में और भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों को उभयचर कहते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आई। इसके उत्तर में आएगा, आदि मानव की प्रजाति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व में आई। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथनों के कारण लिखो। उसमें से पहला है, डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हुई। इसके उत्तर में आएगा, पहला, बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित न कर सकने वाली प्रजातियां कालांतर में नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, कई बार अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और तीसरा, कई बार पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, इन कारणों से डायनासोर की महाकाय प्रजातियां नष्ट हो गई। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, मूल प्रजाति की तुलना में कुछ अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का उदय होता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, किसी विशिष्ट प्राणी वर्ग के प्राणियों की मूल शरीर रचना में पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा, कालांतर में ये परिवर्तन उस प्राणी वर्ग के आनुवंशिक रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार मूल प्रजाति की तुलना में कुछ अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति का उदय होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए हुए संकल्पना चित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे संकल्पना चित्र दिया गया, प्राणियों का विकास, सजीव। सजीव में क्या जाएगा, अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी में क्या है, वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अपृष्ठवंशी में आएगा, वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। अपृष्ठवंशी के उदाहरण क्या क्या है, कृमि, घोंगा, मच्छर, केचुआ। पृष्ठवंशी के उदाहरण क्या है, जलचर, उभयचर, रेंगने वाले सस्तन प्राणी। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट चार का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।